गुड मॉर्निंग बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री पेडागोजी क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे अनुशासनिक प्रगति का अर्थ एवं परिभाषा के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अनुशासनिक प्रगति का अर्थ यह होता है, से तात्पर्य यह है कि हम उन विद्यालय विषयों के साथ में किसी एक विषय का संबंध बनाए रखना जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो पाए। अतः अनुशासनिक प्रगति के संबंध में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुशासन तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनुशासनिक प्रगति का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले अनुशासनिक प्रगति के अर्थ के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अनुशासनिक प्रगति के अर्थ के संबंध में जानकारी इस प्रकार से है। शैक्षणिक अनुशासनिक प्रगति के अंतर्गत उन नियमों सिद्धांतों एवं परंपराओं का समावेशन किया जाता है कि विभिन्न विषयों जो कि विभिन्न विषयों के सहसंबंध उपयोगिता और प्रासंगिकता और समग्रता आदि का बोध कराते हैं। उन सिद्धांतों व नियमों के समूह को अनुशासनिक प्रगति कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुशासनिक प्रगति हम उसे कह सकते हैं जिसके अंतर्गत उन नियमों सिद्धांतों के द्वारा एक विषय के अंतर्गत विभिन्न विषय का सहसंबंध और सहसंबंध स्थापित किया जा सके और उन सहसंबंधों के साथ में उनकी उपयोगिता उनकी समग्रता आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके। ऐसे हम अनुशासनिक प्रकृति भी कहते हैं। और अनुशासनिक प्रकृति के संबंध में विभिन्न विद्वानों की परिभाषा है वो इस प्रकार से है। पहली परिभाषा है जो प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान का आशय उन नियमों सिद्धांतों एवं परंपराओं से है जो शिक्षा के द्वारा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्था में सहसंबंध व अनुशासन स्थापित कर सके जिससे एक और शिक्षक का कार्य व व्यवहार सर्वोत्तम बनता है तो दूसरे और छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। अतः प्रोफेसर एस के दुबे ने भी अनुशासनिक प्रगति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा बताई है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार अनुशासनिक प्रगति के अंतर्गत ज्ञान का आशय उन नियमों के द्वारा बताया गया है, नियमों सिद्धांत और परंपरा से बताया है जिसके द्वारा हम राजनीतिक है सांस्कृतिक है धार्मिक है आर्थिक है विभिन्न व्यवस्थाओं में सहसंबंध स्थापित कर सके और अनुशासन को बनाए रखे। जिससे एक और तो क्या होता है, शिक्षक का व्यवहार और कार्य है वो कैसा बनता है, काफ़ी अच्छा बनता है। और दूसरी ओर जो शिक्षक का कार्य और व्यवहार अच्छा बनने के कारण दूसरी ओर छात्रों का जो विकास होगा वो सर्वांगीण विकास होगा। छात्र का हर क्षेत्र में विकास होगा, चाहे आध्यात्मिक हो भौतिक हो धार्मिक हो या शारीरिक हो, सभी क्षेत्र के अंदर छात्र का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है, इस प्रकार से नेक्स्ट है श्रीमती आर के शर्मा ने परिभाषा दी है। श्रीमती राजकुमारी शर्मा के अनुसार शैक्षणिक या अनुशासनिक प्रगति का अर्थ इस प्रकार से, उनकी परिभाषा इस प्रकार से, शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान का एक प्राचीन ज्ञान प्रणाली पर संबंधित यह परंपरा है। शैक्षणिक अनुशासनिक प्रगति कैसी एक प्राचीन ज्ञान प्रणाली पर आधारित है। यह एक ऐसी जिससे संबंधित प्राचीन अवधारणा है या प्राचीन संबंध है इसका, जिसके अंतर्गत जो शिक्षा एवं शैक्षिक विषयों के बीच संबंध एवं अनुशासन का प्रकटीकरण करती है। और वो क्या करती है, शिक्षा और शिक्षा से संबंधित विषयों के बीच में क्या करती है, सहसंबंध एवं अनुशासन का प्रकटीकरण करती है। जिससे एक और तो शिक्षक का जो व्यवहार है वो कैसा होता है, सर्वोत्तम होता है, तो दूसरी ओर छात्र का भी क्या होता है, छात्रों का भी सर्वांगीण विकास होता है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक अनुशासनात्मक
प्रगति है, प्रगति है वो क्या है, इसका संबंध ये होता है कि ये विद्यालय विषयों का संबंध अन्य विषयों के साथ में किस प्रकार से स्थापित किया जा सके, और किस प्रकार से स्थापित किया जा सके, और किस प्रकार से स्थापित करना है, और किस प्रकार से एक विषय का दूसरे विषय के साथ में संबंध को स्थापित किया जाए जिससे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हो और शैक्षणिक अनुसंधान संबंधी जो गतिविधियाँ हैं वो आगे बढ़ें, और इस प्रकार से अनुशासनात्मक प्रवृत्ति है जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी होती है, इसके द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, और छात्रों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ ही अध्यापकों का भी सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिसके लिए ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनात्मक प्रकृति का एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः शिक्षा जिस कारण शिक्षा है वह अपना एक विस्तृत रूप धारण करती है। अतः एक विषय का साथ के साथ में अन्य विषय का संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम हिस्ट्री के अंदर ही देख लेते हैं तो इतिहास का संबंध है वो अन्य विषयों के साथ में, जैसे राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, लोक प्रशासनिक विषय है आदि के साथ में इतिहास का गहरा संबंध है। अतः इस कारण एक अनुशासनिक प्रवृत्ति के कारण इतिहास का क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, और शिक्षा की दृष्टि से भी इतिहास एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुशासनिक प्रगति का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण विकास होता है, जिसके द्वारा हम अपने अध्ययन क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत बना सकते हैं और व्यापक भी बना सकते हैं, और जिसके द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। यदि छात्रों का सर्वांगीण होता है विकास होता है तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है, और अच्छे राष्ट्र के निर्माण के अंतर्गत शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक प्रकृति का भी एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है जो शिक्षा को एक व्यापक भूमिका प्रदान करे और एक अच्छा पथ प्रदर्शक बन सके ताकि शिक्षा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनिक प्रगति का एक विशेष महत्व है। अतः आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।